राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष आगरा से, जो आगरा से धर्म प्रकाश भारतीय और सभी मान्यवर यहाँ जो ऑल इंडिया एक्शन कमेटी फॉर 29 लाख की ओर से 29 लाख के लिए जो आंदोलन जो खड़ा हुआ है, इस दिल्ली में यह तीसरा आंदोलन है। इस आंदोलन की ताकत अगर सरकार ने कबूल नहीं की तो हमें शपथ लेना है, बाबा साहब की शपथ लेना है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया, इस देश को चलने का जो मार्ग दिया, इस देश के सरकार को सरकार कैसी चलना ये बताया, जो संविधान इस देश का पार्लियामेंट से ऊपर है, सरकार से ऊपर है, और वो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को जो हमें धर्म दिया है, वो धर्म आज दोस्तों, आज वो धर्म गुलामी में जी रहा है। आज इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का जो धर्म है, बाबा साहब की जो धर्म क्रांति है, साथ में शान में सब लोग, बाबा साहब की जो धर्म क्रांति है आज वो गुलामी में है, क्योंकि 1955 का जो हिंदू लॉ है वो हिंदू लॉ आज भी हमें बौद्धों को लागू है। 1955 का हिंदू लॉ जो सरकार ने बनाया, उस हिंदू लॉ में 4 धर्म को सरकार ने वहां इंक्लूड किया था, ऐड किया था दोस्तों। वो 4 धर्म में एक धर्म था सिख, दूसरा धर्म था जैन, तीसरा धर्म था लिंगायत और 14 धर्म था बौद्ध। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देखा था 1955 के हिंदू कानून में, बाबा साहब ने जब देखा कि 1955 के हिंदू कानून में बौद्धों को ऐड किया गया है और बौद्धों को हिंदू कानून में इंक्लूड किया गया दोस्तों, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, 14 अक्टूबर 1956 को जब धम्म का स्वीकार किया, उसका स्पष्ट किया, क्योंकि हिंदू लॉ जो है उसका आधार है, उसका बेस है, उसमें लिखा है कि ब्रह्मा क्रिएटेड दिस नेचर, यानी ये जो नेचर है, ये सृष्टि है, उसका निर्माता ब्रह्मा है। बाबा साहब ने जब देखा कि 1955 के कानून का जो सोर्स है, जो बेस है, वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा भगवान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को स्पष्ट किया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारे भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे भगवान नहीं है। ये बाबा साहब ने क्यों बोला, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने इसलिए बोला कि 1955 के हिंदू कानून से बाबा साहब ने जो धम्म दिया, वो धम्मों को बाहर निकालने के लिए बाबा साहब ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमारे भगवान नहीं है, हमें ब्रह्मा भगवान के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है, कोई धर्म के भगवान के खिलाफ हमें बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये हमें जरूर अधिकार है कौन से भगवान को मानना और कौन से भगवान को नहीं मानना। आइकल में ना बाबा साहब ने बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे भगवान नहीं है, तो आज हमें बौद्धों को ये शब्द देखना है कि बाबा साहब ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, और हम जो कानून मान रहे हैं वो कानून बोलता है कि ब्रह्मा कौन है, सृष्टि का निर्माता है, ब्रह्मा सबसे बड़ा भगवान है। अब 1955 का कानून हम जब तक मानते रहेंगे दोस्तों, तब तक हम बाबा साहब के बौद्ध बने ऐसा मैं नहीं मानूंगा। अब तुमको देखना है कि तुमको बाबा साहब के बौद्ध बनना है कि 1955 हिंदू कानून में, हिंदू कानून में रहना। अगर तुम सही अर्थ में अगर बाबा साहब के बौद्ध है, सही अर्थ में भारतीय संविधान के अगर बौद्ध है, सही अर्थ में अगर तुम संविधान के संरक्षण करने वाले लोग हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आज के तारीख में हमें शपथ लेना है कि 1955 के हिंदू कानून से सिख लोगों ने पहले आंदोलन किया। शांतरा ऋषि क्या कर रहे हैं, अरे आधा घंटे के बाद पानी पिलाओ, खाना खाओ, सब करो, आधा घंटे की तो बात है।
अगर तुम आधा घंटा अगर पानी नहीं को रोक सकते तो बूथिस लोग क्या बढ़ाएंगे। अरे सिख लोगों ने 10 साल आंदोलन किया, 10 साल सिख लोगों ने 10 साल आंदोलन करके बोलो। सिख लोगों ने जो बोला वो तुमको बोलना है। सिख लोगों ने बोला कि ब्रह्मा हमारा भगवान नहीं, भी ब्रह्मा को मानने वाला जो हिंदुला है हम नहीं मानेंगे। दोस्तों सिख लोगों ने आंदोलन किया, 2012 में सिख का कानून बना। आज सिख लोगों को हिंदू ला लागू नहीं है, ख्याल रखना। सिख लोगों को हिंदू ला लागू नहीं। बाद में जैन लोगों ने भी सरकार को बोला कि हमारा संबंध भगवान ब्रह्मा से नहीं है, हमारा संबंध भगवान ब्रह्मा से नहीं है, हमारा संबंध जैन महावीर से, महावीर भगवान से है। उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने सरकार के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने भी अपना रास्ता अलग किया, उनको भी हिंदू ला भी लागू नहीं है। सिख निकला, जैन निकला, बाद में लिंगायत समाज जो कर्नाटक में है, लिंगायत समाज जो कर्नाटक में 18% है। पिछले साल जब हुआ इलेक्शन था दोस्तों, इलेक्शन के टाइम में लिंगायत लोगों ने बड़ा आंदोलन किया और वहां के कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब 1.5 लाख का मोर्चा निकला, जब 1.5 लाख लोगों का मोर्चा निकला इलेक्शन के सामने, कांग्रेस ने मान्य किया। लिंगायत ने भी क्या बोला कि हमारा भगवान बसवेश्वर है, हमारा भगवान बसवेश्वर है, और हमारा भगवान अगर बसवेश्वर होगा तो ब्रह्मा को मानने वाला कानून हम क्यों मानेंगे। अरे भैया लिंगायत लोग जो घटना से दूर थे, जो संविधान से हजारों कोस दूर थे, उन्होंने संविधान पढ़ के क्या किया, संविधान पढ़ के उन्होंने सरकार से झगड़ा किया, लड़ाई की, और आज क्या होगा, 2018 में लिंगायत समाज भी हिंदू कानून से बाहर निकला। आज तुम्हारे समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। 1955 में 4 धर्म थे, सुनो मेरी बात, मैं संविधान का अभ्यासक हूं, राज के नेता नहीं हूं, राज के नेता मैं नहीं हूं, मैं संविधान का अभ्यासक, मैं एक वकील हूं, मैं जो बोल रहा हूं समझ लो। हमारे दिमाग में अभी भी बाबा साहब नहीं जा रहा है, हमारे दिमाग में अभी भी बाबा साहब नहीं जा रहा दोस्तों। अरे 1955 के कानून में 4 धर्म थे, 3 धर्म बाहर निकले, चौथा सिल्लक रहा, बचा कौन सा, बचा बौद्ध बचा। अब मैं बोलूंगा बौद्ध क्यों बचा, बौद्ध क्यों बचा, बौद्ध इसलिए बचा कि हमने झगड़ा नहीं किया सरकार से, हमने सरकार से झगड़ा नहीं किया, सरकार को हक नहीं माना, इसलिए ऑल इंडिया एक्शन कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, स्थापना हुआ। 2016 से हमें आंदोलन शुरू किए, हम 3 बार मोर्चा निकाले सरकार को, मैंने जैसे कभी बताया सरकार को बिल बनाया। मेरी लड़की जो एडवोकेट शताब्दी खैर जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती है, उन्होंने एक बिल बनाया, 300 पेज का बिल बनाया। अगर वो बिल बनाने के लिए अगर हमारा समाज 25 लाख अगर खर्च करेगा तो भी दोस्तों ऐसा बिल नहीं कोई बनाएगा, ऐसा बिल हमने तैयार किया और सरकार को बोला ये बिल लो और हमारा कानून मंजूर करो। 24 जुलाई को मोर्चा निकाल के हमने बिल सबमिट किया सरकार को, खाली बात नहीं दोस्तों। 300 पेज का इसमें बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ में क्या लिखा है, ये लिखा है कि वहां हिंदू फिलोसफी बोलते हैं कि भगवान बुद्ध है, भगवान विष्णु के अवतार है। हिंदू फिलोसफी का बोलना है कि भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है और इसलिए वो महाबुद्धि विहार में बुद्ध की, भगवान की पूजा कर रहे हैं। वो बोल रहे कि भगवान बुद्ध हमारा अवतार है, हमारा देव है। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को क्या बोला कि भगवान बुद्ध ये भगवान विष्णु का अवतार है, ये झूठा क्या है, ये झूठा प्रचार है। बाबा साहब ने हमें रास्ता बताया लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे नजर में, हमारे सामने वो रास्ता नहीं आया, हमारे सामने वो रास्ता नहीं आया। लेकिन आज एक्शन कमेटी के माध्यम से
सामने रास्ता आया है, रास्ता भी नजर आया है, भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार ही, ये हमारे कानून में हमें लिखा है। हमने लिखा कि भगवान बुद्ध कौन है, सुपर साइंटिस्ट शास्त्रज्ञ है। भगवान बुद्ध कोई देव ही नहीं है, देव का अवतार कैसा हो सकता है? अरे भगवान बुद्ध ने खुद बोला मैं कोई भगवान नहीं, मैं कोई देव नहीं, मैं विज्ञानवादी हूँ, मैं मानव हूँ, तुम भी बुद्ध हो सकते हैं, मैं भी बुद्ध हो गया। कर्म से आदमी बुद्ध होता है, कर्म से आदमी बुद्ध होता है। हमने 7 साल मोर्चा ने निकाला, हमारे कर्म नहीं थे, इसलिए आज हमारा कानून नहीं है। कल हम कर्म करेंगे। अरे ये सरकार को, अरे ये सरकार क्या, अरे कोई भी सरकार बने अधिकार हम छीन के लेंगे, छीन के सरकार के बाप की जागीर नहीं, हम सरकार के बाप की जागीर नहीं, सरकार बाबा साहब के संविधान के अंदर है। गवर्नमेंट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्नमेंट बड़ी नहीं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 340 में लिखा है कि इस देश के संसद को, इस देश के पार्लियामेंट को, जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो क्लॉज 5 है, पैराग्राफ 5 उसमें लिखा है कि इस देश में हर धर्म का पर्सनल लॉ बनाना ये सरकार की ड्यूटी है, ये संविधान में लिखा है। लेकिन ये सरकार, कोई भी सरकार संविधान पढ़ के सरकार नहीं चलाएगी दोस्तों। इसलिए बाबा साहब बोला था कि ये संविधान कितना भी अच्छा है, चलाने वाले अगर अच्छे नहीं तो संविधान फेल है। ये सरकार चलाने वाले अच्छे नहीं, फिर अच्छे इसलिए बाबा साहब किसने बोला कि हमें जनता को संविधान चलाने के लिए सरकार को मजबूर करना है। जब देश की जनता संविधान का अमल करने के लिए सरकार को मजबूर करेंगी, तब राज किसका होगा? राज सरकार का नहीं, राज किसका होगा? बाबा साहब के। अब तुमको संविधान का राज लाना है कि नहीं लाना, ये बोलू भैया। एक अगर कानून बन जाए ना, मजाक नहीं, पूरे देश में क्या हंगामा हो जाएगा, देश में हंगामा हो जाएगा, लोगों को मालूम हो जाएगा, सबको मालूम हो जाएगा कि विदाउट पावर, विदाउट पॉलिटिकल पावर, लोगों ने रास्ते पर आके अपना अधिकार छीन के लिया, लोगों ने अपना अधिकार छीन के लिया। और इसलिए आज ये अधिकार छीनने के लिए आप सब लोग आए हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी का स्मारक यहां बन चुका है, अगर वो देखने के लिए देखना है, आज के तारीख में मुक्काम करो, रेलवे स्टेशन अपना घर समझो, हरकत नहीं। हम भी अभी तक प्रोफेसर बनने के बाद भी अभी तक मैं 100 बार स्टेशन पर भी सोया हूं। कोई सीनियर कॉलेज का प्रोफेसर जिसका पगार 1.5-2 लाख रहता है, वो स्टेशन पर नहीं सोता। स्टेशन पर सोना ही हमारा संघर्ष का ये रास्ता है। स्टेशन पर रहो, वही रहो, घर बाबा साहब अम्बेडकर का स्मारक देखे जाओ, मैं सब बोलूंगा। जहां बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ वो देखना हमारा हमारा कर्तव्य है। बाबा साहब को सैल्यूट करो और बोलो कि बाबा साहब तुमने अकेले ने इस देश को हिला दिया, तुमने अकेले ने पार्लियामेंट को हिला दिया, बाबा साहब तुमने अकेले ने संविधान सभा को हिला दिया। और आज बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 के बाद आपको समय नहीं मिला, आपको समय नहीं मिला, आप 6 दिसंबर को चले गए। इसलिए हम 62 साल के हिसाब से हम तुम्हारे धर्म का कानून नहीं बना सके। लेकिन हम अभी शपथ ले रहे कि जब तक बौद्धों का कानून नहीं बनेगा, जब तक हमारे देश के जो भूमिहीन है, जो आदिवासी है, जो दलित है, जो गरीब है,
उसको काम का अधिकार नहीं मिलेगा, जमीन का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ाएंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, ऐसी शपथ तुमको दोस्तों लेना है। कहा जाके? कहा जाके? अम्बेडकर स्मारक, अम्बेडकर स्मारक जाके शपथ लेना है। आज रुकना है, आज के तारीख में ठंडी कम हो जाएगी, ख्याल में रखो, ठंडी कम हो जाएगी, काम हो जाएंगी, बिल्कुल ठंडी कम हो जाएंगी, लेकिन बाबा साहब का दर्शन अगर नहीं करेगा तो उसको उसको ठंडी ऐसी पकड़ेंगी। ठंडी बोलेंगे सर तो है तो गद्दार ही करा बाबा साहब। अरे बाबा साहब का स्मारक हमारे लिए, हमारे लिए वो संघर्ष, जा बाबा साहब का आखिरी श्वास, जा बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ वो थी वो जगह हमें देखना है, स्मरण करना है, स्पर्श करना है। अरे बाबा साहब अम्बेडकर हमारे सामने आ जाएंगे, बताएंगे, तुम बोलेंगे जो लड़ाई तुम लड़ रहे हैं ना, वो लड़ाई ये बाबा साहब की अगली लड़ाई थी, अगली बाबा साहब के बाद अगर कौन सी अगली लड़ाई है बाबा साहब के बाद, तो मैं करूंगा कि 1456 को बाबा साहब ने धम्म दिया, वो धम्म का कानून बनाना और महाबुद्धि दिया बाबा साहब ने, बामादा गोड बोले सुनने, बाबा साहब का 1456 का कार्यक्रम का पूरा आयोजन किया था वो हमारा गोडबले 1955 में वो महाबुद्धि विहार में। अब ये 30 साल का समता सेंटर का आप देखते, समता सेंटर के आदमी उन्हें तो बहुत पावरफुल थे, वो गया वहां गया और उसने देखा, उसने देखा कि भगवान बुद्ध की विडंबना हो रही है, वहां पढ़ने लोग भगवान बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। उसने बाबा साहब को बोला, बाबा साहब मुझे आदेश करे, मैं सब पढ़ने को मैं काट डालूंगा, करने का खून करूंगा और बुद्ध का मुक्त करूंगा। कौन बोल रहा? बामरा गोड़वे बोल रहा, बामरा गोड़ बोले बोल रहा कि मैं पासी पंडे जो बैठे उसका मैं खून करके बुद्ध का मुक्त करूंगा। बाबा साहब बोलते, अरे बामन अगर हमने अगर वो पंडे लोगों का खून किया तो वो खून पंडे का नहीं होगा, वो खून बुद्ध का उच्चार का होगा, वो खून बुद्ध का उच्चार का होगा। अरे वामन मुझे पहले बौद्ध होने, बौद्ध था मैं, बौद्ध होने के बाद मैं बहुत कम दिन में मैं बुद्ध के क्या करूंगा, बुद्ध क्या मुक्त करूंगा। अरे बाबा साहब तो बौद्ध हो गए दोस्तों, लेकिन बाबा साहब को समय नहीं मिला। आज महाबुद्धि विहार उसका अध्यक्ष कलेक्टर है, कलेक्टर स्टेट है, अपने देश में जितने कोई धर्म है वो धर्म के धर्म स्थल का अध्यक्ष कहा भी कलेक्टर नहीं है, वहां का अध्यक्ष धर्मगुरु रहता है। और हमारी जो बौद्ध गया, जो पूरी दुनिया की बौद्ध की श्रद्धा भूमि है, उसका मालक कौन है? उसका मालक कलेक्टर है। सोचो जरा, अरे 40-50 बौद्ध राष्ट्रों का जो पैसा मिल रहा है बौद्ध गया में, वो कहां जा रहा है? वो सरकार के जेब में जा रहा है। सरकार बौद्ध की है क्या? सरकार बौद्ध की है? अरे बौद्धों का पैसा, बौद्ध राष्ट्र का पैसा वो सरकार के घर में जा रहा है। और इसलिए बाबा साहब बोला था, अरे मुझे पहले बौद्ध होंगे, मैं बुद्ध का मुक्त करूंगा। बाबा साहब को समय नहीं मिला, बुद्ध गया आज भी जैसी थी वैसी है। दोस्तों शपथ बाबा साहब की, अगर ये कानून बन गया ना, ये कानून में लिखा है, ये कानून में लिखा है कि ये बुद्धिस्ट जो पर्सन ला है इसमें ये लिखा है कि बौद्धों का 1% लॉ बोर्ड तैयार हो जाएगा। वो लॉ बोर्ड में उसमें 8 लोग बौद्ध रहेंगे, उसमें 4 भंते रहेंगे, 4 बुद्धिस्ट विचारवंत रहेंगे, 8 लोग ऐसे बौद्ध रहेंगे और 9वां जो कलेक्टर है वो सेक्रेटरी रहेगा। दोस्तों वो कलेक्टर सेक्रेटरी रहेगा और वो बोर्ड क्या करेगा? वो बोर्ड महाबुद्धि विहार की कमिटी तैयार करेगा। ये कानून में ये लिखा है कि वो जो बोर्ड जो कानून में बन गया बनेगा कानून से, वो बोर्ड महाबुद्धि विहार की कमिटी बनाएगा। और जिस दिन हमारे कानून के अंतर्गत कमिटी बन जाएंगी दोस्तों, उसी दिन 1950 का जो बिहार सरकार का कानून है उसकी जो कमिटी है
वो कमेटी बर्खास्त हो जाएंगी, और जैसे ही वो कमेटी बर्खास्त हो जाएंगी वहां के पंडे भागे जाएंगे, भाग जाएंगे। अगर नहीं भागेंगे ना तो हमारे भंते जी हाथ में, ठीक है मंत्री जी, कानून बनने के बाद अगर वहां से कलेक्टर नहीं भागेगा तो कलेक्टर को हम छोड़ेंगे ना, कलेक्टर का हम छोड़ के बाहर निकालेंगे और पंडे को ऊपर निकालेंगे। बहुत बढ़िया बात, कलेक्टर को हम निकालेंगे दंडे मार के और पंडे को हमारे भंते जी वो भी डरने मारेंगे, मारेंगे क्या? हरकत ने संघर्ष के लिए बुद्ध ने बोला था, इफ जस्टिस डिनाइड अप्लाई फोर्स, जस्टिस डिनाइड अप्लाई फोर्स। ऐसा नहीं, बुद्ध भगवान ने बोला शांति शांति शांति, मार खाते रहो नहीं जमेगा, इसको मारना नहीं, लेकिन कोई ज्यादा नखरे करता है मारने की बात कर उसको छोड़ना भी नहीं, फिर कोई भी नहीं, पहले नहीं मारना, पहले अन्याय अन्याय नहीं करना, लेकिन कोई अगर अन्याय कर रहा है उसको छोड़ना भी नहीं। तू बोलेगा भगवान बुद्ध का मार्ग है, भगवान बुद्ध ने शांति बनाई बताई है, लेकिन क्रांति है, शांति क्या है, शांति में क्रांति है। हमें बाबा साहब ने भी संविधान में क्या बोला है, अगर खुद का जो हमारा जान है उसको बचाने के लिए अगर हमारे तरफ से अगर किसका मर्डर भी होता है उसकी जान बचाने के लिए है, खुद की जान, इन्हें मर्डर करने का किसका खून करने का हमारा हेतु नहीं, लेकिन हमारा कोई अगर खून करना चाहता है तो खुद की जान बचाने के लिए हम उसका खून भी कर सकते हैं, उसको बोला जाता है सेल्फ डिफेंस। खुद के संरक्षण के लिए हमें बाबा साहब ने हमें बताया है संविधान का जो मार्ग है, दोस्तों महाबुद्धि विहार मुक्त होगा, करोड़ों करोड़ों अब्जों रुपए किसको मिलेंगे, किसको मिलेंगे, और देखो मुझे ऐसा लगा इतना पैसा मिलेगा ना तो सरकार को मांगना बंद करना पड़ेगा। अरे स्टालिन अभी भी वहां, अभी भी हमने तो सोचा है, अभी भी सरकार अगर ज्यादा ज्यादा ये करेंगे ना, हम यूनेस्को जाएंगे, चंद्र मोदी जी हम यूनेस्को जाएंगे, लिखेंगे कि यहाँ की सरकार बहुतों के खिलाफ है, यहाँ का मुख्यमंत्री या भाई प्राइम मिनिस्टर अगर बहुत राष्ट्र आता है भीख मांगने के लिए उसको भीख नहीं देना, उसको बोलना तू हराम खोर है, तू भिखारी की लाइफ नहीं है। अरे अरे बहुत राष्ट्र से पैसा लाना, और यहाँ बहुत के कानून के लिए 4 साल से झगड़े भैया, 4 साल से मोर्चा निकाल रहे, 4 साल से सरकार को बोल रहे कि अन्यत कॉन्स्टिट्यूशन, उनको लग रहा होगा कोई अकेला प्राध्यापक होगा, कोई एडवोकेट होगा, अरे अकेला नहीं, मैं बोलूंगा आज हजारों नहीं दोस्तों लाखों की संख्या में अभी हम अधिकार छीनने के लिए हमें तैयार होना है, होना है क्या? उनको क्या लगा 16 से मैं लिख रहा हूँ, उनको लगा एडवोकेट मुकुंद खरे एक आदमी है भाई, कोई आमदार भी नहीं, खासदार भी नहीं, जिला परिषद का मेंबर भी नहीं, ग्राम पंचायत का, ये कौन है, कहा गया भाई, कौन सा एडवोकेट है, काय का ऐसे एडवोकेट बहुत है देश, समझेगा नहीं, एडवोकेट तो बहुत है देश में, उनको लगा कोई होगा ऐसा एडवोकेट लिख रहा होगा। अभी लिखते लिखते हमने आंदोलन शुरू किया, आंदोलन करते करते आज आज जंतर मंतर पर ये जो गर्दी है दोस्तों, ये गर्दी की नोटिस सरकार को गई है, और सरकार ने आचार संहिता शुरू होने के पहले हमारे कानून बनाने की कमेटी अगर फॉर्म नहीं की तो याद रखो, ख्याल रखो, हमारा निर्देश है कि भाजपा को हमें क्या करना है, कुर्सी से खाली करना है। कोई बोलेगा भाजपा में जो हमारे भाजपा में भी रोक है सत्ता के लिए, उनको बोलना भैया तेरी सत्ता तेरे पास रहा, मुझे मेरा क्या होना, मेरा कानून होना, और इसलिए 1.5 महीने के बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें हमारी राजकीय ताकत दिखाना है, और उसके बाद यहां मैं जो आह्वान करने जा रहा हूं दोस्तों, ये आपको अच्छा सुनना है,
अच्छा सुना इसलिए कि मई में नई सरकार बनेगी। अब किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, क्या किसका होगा, ये अपने कुछ नहीं करने का। लेकिन जो कोई सरकार बनेगी उसको हम पहला नोटिस देंगे और नोटिस देके उसको हम इंटीमेट करेंगे कि हम 2016 से हमारी मांग चालू है और ये मांग का कानून बनना चाहिए और फिर मई के बाद हमारा ये नोटिस चालू हो जाएगा और ये नोटिस पर हमारी लड़ाई 14 अक्टूबर मालूम है आपको 14 अक्टूबर क्या हो गया? इस देश में जो कल तक इंसाफ नहीं था, क्या नहीं था? अरे इस देश में कल तक जो इंसान नहीं था उसको इंसान का दर्जा, वो दिन कौन सा है? 14 अक्टूबर 1956। हम बाबा साहब बोलते आज मेरा नया जन्म हो रहा है, क्या बोलते? हमने भी बोलना कि बाबा साहब आपका 14 अक्टूबर को नया जन्म हुआ, हमारा भी 14 अक्टूबर को नया जन्म हुआ और वो 14 अक्टूबर की क्रांति हमको दिल्ली में खड़ी करना है। रामलीला मैदान पर पूरे देश के यहाँ जो हमारे बड़े बड़े नेता लोग आए हैं उनको मैं आह्वान करूंगा कि मैं दयासागर जी बौद्ध, चंद्रबुद्धि जी पाटिल, धर्म प्रकाश भारतीय, हमारे सतवीर बौद्ध, हमारे एडवोकेट नीलम सोनी जी, हमारे डॉक्टर बौद्ध, ये जो सब लोग हमारे एडवोकेट राजे, ये सब लोग जो हमारे अशोक लाल, हमारे नागपुर के प्राध्यापक क्रोज मिश्रा, मनोज छापानी, प्रदीप फुलझेले, इनको मैं सबको अभी से बोलूंगा कि भैया देखो बार बार मोर्चा निकालना बहुत कठिन बात है। अभी 14 अक्टूबर में हमारी जो रैली रहेंगी वो रामलीला मैदान पर रहेंगी और रामलीला मैदान की रैली वो कम से कम 1 लाख लोगों की रहेंगी तो ही एक ही झटके में क्या बनेगा। तो ये 14 अक्टूबर की जो रैली, 14 अक्टूबर की रामलीला मैदान पर जो हमारा धरना जो होने वाला है उसमें भी हमारे दो विषय रहेंगे। कौन से? एक विषय रहेगा बुद्धि श्लोक, दूसरा विषय कौन सा रहेगा? जमीन का अधिकार। तो ये 14 अक्टूबर 2019 को आपको दिल्ली आना है। अगर ये बात आपको समझ में आई होंगी कि 14 अक्टूबर ये हमारा आखिरी आंदोलन है ना, आखिरी, उसके बाद यह आंदोलन नहीं होगा और मुझे पूरी आशा है कि 14 अक्टूबर के आंदोलन में जो ताकत दिखेंगी, शक्ति दिखेंगी, आज ही हमारी ताकत से 1.5 महीने के अंदर कमेटी फॉर्म हो सकती है। कमेटी जैसी फॉर्म होगी आप सब लोगों को मालूम हो जाएगा। लेकिन कमेटी फॉर्म होने के बाद, कमेटी तैयार होने के बाद उसका कानून बनने के लिए और उसको 6 महीने का टाइम लगता है और वो 6 महीने में हमको 14 अक्टूबर हमारा ताकत दिखाना है। 14 अक्टूबर 2019 ये हमारा हक की आखिरी लड़ाई होगी। आखिरी लड़ाई में वो हमारा धरना रहेगा, वो आंदोलन 1 दिन का नहीं रहेगा, वो आंदोलन 2 या 3 दिन का रहेगा और वहां रामलीला मैदान बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान पर जब देश के 15 राज्य से बहुत लोग एक हो जाएंगे दोस्तों, सरकार को मालूम हो जाएगा कि अभी उनको कानून देना पड़ता लेकिन संविधान के ऊपर कोई नहीं है। और इसलिए आज के तारीख में मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि आज पहली बार इस जंतर मंतर पर अपने हक के लिए बौद्ध समाज, आदिवासी समाज, हमारा मागास्वर्गीय समाज, हमारा SC समाज अपने हक के लिए यहाँ आया है। जिन्होंने अपना अर्ज भरा होगा, अर्ज मैं बता था, वो अर्ज यहाँ उनको यहाँ सादर करना है, सब देना है और 14 अक्टूबर ये तारीख ख्याल में रखना है। अब मुझे बताओ
कि 14 अक्टूबर का ये आंदोलन कितने लोगों को मान्य है बताओ। बंटी जी 14 अक्टूबर का आंदोलन, बंटी जी ज्ञान ज्योति का आशीर्वाद हमको आवश्यक है। बड़े बंटी जी है, बहुत बड़े बंटी जी हमारे लिए, और इसलिए भंते ज्ञान ज्योति जी रहेंगे, हमारे सब भंते ज्ञान रहेंगे। अब हमारा काम बढ़ गया है, हमको पर्चा मिले या नहीं मिले, निमंत्रण मिले या नहीं मिले, ये अभी पक्का करना है, या जो एक एक आदमी बैठा है उसको शपथ लेना है कि मैं 14 अक्टूबर को मेरे साथ कम से कम मैं 50 लोग रहूंगा। अगर ऐसा उन्होंने दोस्तों सोचा, मुझे ऐसा लगता है कि 14 अक्टूबर को 1 लाख के ऊपर लोग दिल्ली पहुंचे। अरे भैया भीमा कोने गांव में 500 लोगों ने 28,000 लोगों को काट डाला, ये 201 साल का इतिहास को हम जिंदा रखने के लिए वो 500 लोगों का शौर्य उसका स्मरण करने के लिए हम 15 लाख लोग कहा जा रहे विवाह को राजा, लेकिन वो इतिहास हो जाएगा। वहां शौर्य हुआ 201 साल के पहले शौर्य हुआ, वो शौर्य हुआ था, अभी तुमको शौर्य दिखाना है, अभी कबूल है। अरे वो शौर्य हुआ था, अभी तुम बोलेंगे कि वो 500 लोगों ने 18,000 लोगों को काट डाला, अब तुम बोलेंगे मुझे लोगों को काटना है, तो बाबा साहब बोलेंगे भैया सरदार है काटने की परमिशन, तुम काटने की बात करेंगे, मैंने काटने की बात नहीं की, तुम्हारे जान को खतरा है तो मैंने बात की है, उल्टा हो जाएगा, जान को खतरा है तो बात अलग है, तुम बोलेंगे हम काटेंगे, ऐसे भाई काटना फाटना कुछ नहीं, संविधान में इतनी ताकत है। अरे हाथ में हमें तलवार की गरज नहीं दोस्तों, हाथ में हमें तलवार की गरज नहीं, हाथ में हमें बंदूक की गरज नहीं, और हाथ में हमें बाबा साहब के संविधान की गरज है। और इसलिए मैं बोलूंगा कि दोस्तों छोड़ दो, तोड़ दो, मुड़ो दो उस घातक पुराने विचारों को, दोस्तों छोड़ दो, तोड़ दो, मुड़ो दो उस घातक पुराने विचारों को। अरे बाबा साहब ने दिया खजीना हम सबको तैयार, कौन सा खजीना दिया बाबा? बाबा साहब का संविधान हमारा खजीना है। और इसलिए मैं आगे बोलूंगा दोस्तों लगा लगन लगा उम्मीद, और वो दिन आए, कौन से दिन? अधिकार छीनने के दिन आए, कौन से? अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, अधिकार को छीनना पड़ता है। भांडवलदार लोगों का कानून बना, सिख लोगों का कानून बना, लिंगायत लोगों का कानून बना, क्यों बना? उन्होंने अधिकार छीन लिया, छीनने की बात हम में आना चाहिए दोस्तों। ऐसे मैं आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इतनी बड़ी ताकत में, मैं जैसे जब भी बोला कि निसर्ग हमारे साथ है, निसर्ग हमारे, और जहां निसर्ग साथ है, अरे भैया निसर्ग यानी भगवान बुद्ध, निसर्ग यानी भगवान बुद्ध है, हमारा अपना अगर शुद्ध है तो हमको ने ऐसा बहुत बहुत हमको सबको सब है, लेकिन मन में क्या है? विकार है, तब बुद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज के आंदोलन की ताकत सरकार को बताने के लिए हमारे दयासागर बहुत सारी प्राध्यापक अशोक वानखेड़े, इनको दोनों को लेके पुलिस यंत्रणा वहां गई है, लॉ मिनिस्टर के पास गई है, वहां उस पर 3 नोटिस है, एक बुद्धिस्ट लॉ की नोटिस है, दूसरी नोटिस जमीन के हक की नोटिस है। ये दो विषय को लेके हमने नोटिस संविधान की जो ताकत बोलते हैं वो ताकत वो नोटिस में डाल के वो नोटिस भेजी है, और वो नोटिस को अगर सरकार नजरअंदाज करती है।